प्रोग्राम गवाही में मैं आज सुबह आपको वेलकम करता हूँ हमारे साथ खुदा की खादमा शनाज़ अलियास मौजूद हैं हम जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि खुदावन ने उनकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे बड़े बड़े काम किए कि वो उसकी राह में चलने को तैयार होगी और अभी मुलाकात करेंगे मुबशरा शनाज अलियास से सिस्टर जी मैं आपको वेलकम करता हूं अपने स्टूडियो में हमारे लिए बैसे खुशी है कि आज आप खुदा उनके कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं थैंक यू भाई मैं आपके शुक्र गुजारूँ उसके बाद नेशनल न्यूज चैनल की जिन्होंने मुझे, मुझे मुदाओ किया ताकि मैं इस जगह पे आके खुदा के कलाम की बातों को आपके साथ शेयर करूँ और खुदा के नाम की गवाही दूँ मुझे बहुत खुशी है कि आप इतनी यंग एज में खुदा उनके कलाम की खिदमत कर रही है तो आपने ये इसका, अगाज मैंने इसका अगाज में किया जब मैंने पानी का लिया उससे हमारे चर्च में पा आरिफ हैं जिनके जरा सा खुदा की खिदमत कर रही हूँ और उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ कि मैं इस जगह पे भी आके आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूंगी तो मेरी जिंदगी में खुदा के बाद अगर सबसे बड़ा मेरी खिदमत में हाथ है तो वो उनका है सर आरिफ का। yes. तो आप कह रहे हैं सर आरिफ तो क्या वो आपको टीच करते हैं कोई में या आपने कोई की है? नहीं अभी मैं कर रही हूँ बेस्ट कॉलेज उधर से yes. उधर से, से मैं सीख रही हूँ खुदा के कलाम को तो मैं दुआ मेरी यही है कि मैं खुदा के कलाम को सीखूं और बहुत सी जगह पे जाऊँ जहाँ पर खुदा के कलाम की खिदमत नहीं हो रही वहाँ पे जाके खुदा के कलाम की खिदमत करूँ

उन्होंने मेरी जिंदगी में यह नबौत की ताकि मैं खुदा के कलाम की खिदमत करूँ बाजुकात हमारे पास खिदमत होती भी है मगर बाजुकात हमें खुद ही उस खिदमत का पता नहीं होता कि हमने क्या खिदमत करनी या क्या नहीं करनी तो खुदा अपने लोगों के वसीला से उस खिदमत को बाज़ुकात हमारी जिंदगी के ऊपर जाहिर करता तो जब वो जाहिर करता तो हमें खुदा के हुक्म को मानने की भी ज़रूरत है तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी में ये पेशन गोई की ये नबौत की कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत करूंगी तो आज खुदा का शुक्र है कि मैं खुदा की खिदमत कर रही हूँ जी नाजेन आपने मुबशरा शनाज़ इलियास की गवाही को सुना कि खादर ने उनका जो तोड़ा उनके पास था उसको पहचाना और उसको इस बात के लिए कायल किया कि आप खुदा उनकी खिदमत को उसके खेत में काम करें और सबसे जो अच्छी और खूबसूरत बात वो ये है कि सिस्टर जी ने इस बात को अपनाया अपने खादम की बात को अपने पास्टर की बात को जाना और महसूस किया और खुदा ने इनको रियलाइज़ करवाया कि तुमको मैंने अपने इस बंदा के वसीला से चुन लिया है और इन्होंने उस बात पर आमीन कहा और आज खुदा उनके खेत में ये काम कर रही हैं और बहुत सी रूहों को बचाने का वसीला बनी हुई हैं इसी तरह से और नौजवान जो खुदा उनकी खिदमत को कर रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और मिलेंगे एक और नई गवाही के साथ शुक्रिया